हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसका आप स्कोर चेक कीजिए पूरा वीडियो देख करके, जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है थ्योरी सेशन में। एंड दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का, TGT, PGT, NALT, KBS, NBS, सभी का सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया गया है सभी चैप्टर की, एंड चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस कराया गया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं पिछले वर्ष में, सभी का प्रैक्टिस कराया गया है, और 100 से ज़्यादा वीडियो टॉप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराए गए हैं, और डेली बेसिस मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। एंड पूरे के पूरे कॉन्टेंट फ्री में अवेलेबल है, ऐसा कोई फ्री में इतना सारा कॉन्टेक्ट नहीं दे रहा है। तो फ्री में मेरे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों में से कौन विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे टाइम आउट, रन आउट एंड काउट, ये सभी चीज़ें क्रिकेट के टाइम आउट होने से संबंधित है, बट फील्ड आउट जो है यह खो खो खेल से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से कौन सा अलग है यानी विषम है। तो यहाँ पे हार्ड टर्फ यानी कि हार्ड कोर्ट, रेड सोल यानी कि मिट्टी, रेड मिट्टी एंड टर्फ यानी कोर्ट, ये सभी चीज़ें आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से संबंधित है, बट यहाँ पे मैट आपका अलग है क्योंकि यह टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टेनिस में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। टेनिस के एक साल में 4 बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं, जिसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। ग्रैंड स्लैम जो है, एक वर्ष में 4 टूर्नामेंट के जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन होता है। और साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो जनवरी के मध्य माह में होता है, जो 1905 से आयोजित किया जा रहा है। एंड फ्रेंच ओपन मई जून के महीने में प्रत्येक वर्ष होता है, जो 1891 से हो रहा है। एंड विंबलडन ओपन जून जुलाई के महीने में होता है, जो सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। एंड US ओपन सबसे लास्ट में आयोजित होता है, अमेरिका में है आयोजित होता है, 1881 से यह आयोजित हो रहा है अगस्त सितंबर महीने में, जिसमें से ऑस्ट्रेलियन ओपन व US ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी लाल मिट्टी पर खेला जाता है, एंड विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इस चारों में से कौन अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक अलग है, और बाकी इन तीनों में जो है वह ट्रायथलॉन खेल से संबंधित है। यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, 40 किलोमीटर साइकिलिंग होता है ट्रायथलॉन में, एंड यहाँ पे 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री होता है। तो यहाँ 20 दिया है, यहाँ 10 लिख लीजिएगा आप। एंड यहाँ पे जो दिया है 10 किलोमीटर स्विमिंग, ये ऐसा नहीं होता है, 1500 मीटर होता है। कितना? 1500 मीटर यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1500 मीटर, ठीक है, 1500 मीटर। ये तीनों ट्रायथलॉन में होते हैं, तो सिमिलर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है। तो यहाँ पे वेंट्रिकल पल्मर एंड एंटीरियर सेम है, एंड प्लांटर आपका अलग है, क्योंकि प्लांटर विषम है, क्योंकि सभी एनाटॉमिकल पोजीशन है जिसमें प्लांटर जिस पर हम खड़े होते हैं उसको इंगित करता है, बाकी सभी आगे के भाग को इंगित करता है। नेक्स्ट, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो यहाँ पे आपको देखना है
कि 1500 मीटर, 10000 मीटर और 5000 मीटर, ये तीनों के तीनों ट्रैक के अंदर होते हैं, ट्रैक के इवेंट हैं, बट क्रॉस कंट्री जो है वह ट्रैक के बाहर का इवेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन चारों में से ऑड कौन है, विषम कौन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, हॉकी के जादूगर, एंड नेशनल स्पोर्ट्स डे इनके नाम पर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। एंड बर्थ ऑफ मेजर ध्यानचंद, ये तीनों तिथियों मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड है, जन्मदिन से रिलेटेड है, बट ओलंपिक डेज ये अलग है। ओलंपिक डे जो है, ओलंपिक दिवस 23 जून को आयोजित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, कौन चारों में से अलग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि इंट्रोकाइनेज, इन्वर्टेज, इरेप्सिन, तीनों छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से स्रावित होते हैं, बट ट्रिप्सिन जो है यह पैंक्रियाज से स्रावित होता है, जिसमें से ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है और सभी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि प्रोटीन, रेडॉक्सिन, इंसुलिन, एक प्रकार के तीनों प्रोटीन ही है। रेडॉक्सिन लेयर जो, रेडॉक्सिन जो होता है हमारे रोड सेल में एक प्रोटीन होता है जो अंधेरे उजाले के फर्क को बताता है। इंसुलिन हार्मोन है, या सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, इसलिए यह भी प्रोटीन है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का छोटा नाम है, बाकी सभी क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 इंच जो है यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, हाँ कि ग्राउंड का लाइन की मोटाई होती है, एंड 5 इंच जो है यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, ये फुटबॉल के ग्राउंड की लाइन की मोटाई होती है, एंड 5 सेंटीमीटर जो है वह ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक, हाँ एथलेटिक के ट्रैक की जो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, एंड 3.5 इंच विषम है, यह कोई किसी का भी मोटाई नहीं होती है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे US ओपन, विंबलडन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीनों टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से रिलेटेड हैं, बट फेरिस ओपन कोई टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं होता। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों 25 यार्ड जो है एक रेखा होती है हॉकी में, एंड 16 यार्ड सर्कल होता है, एंड 60 यार्ड उसकी चौड़ाई होती है हॉकी ग्राउंड की, बट 10 यार्ड का संबंध फुटबॉल खेल से है, बाकी का संबंध जो है वह हॉकी से है। 10 गज जो है जो सर्कल होता है फुटबॉल में उसका व्यास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कौन किससे रिलेटेड है, उसमें से अलग कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिग्गी, क्लॉक, आर्बिटर एंड पॉन, इन चार तीनों का पॉन, इन चारों का संबंध, तीनों का संबंध जो है चेस यानी कि शतरंज से है, बट स्ट्रीकर का संबंध जो है यह स्ट्रीकर का संबंध है बेसबॉल खेल से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है। यहाँ पे आपको ध्यान में देखना है, यानी यहाँ पे आपको देखना है कि 6 मीटर, 9 मीटर, 40 मीटर, ये तीनों के तीनों हैंडबॉल खेल से रिलेटेड हैं। यानी हैंडबॉल की ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितना होता है, 40 × 20 मीटर, तो 40 मीटर आपके हैंडबॉल की लंबाई हो गई, और 6 मीटर आपका अंदरूनी गोल रेखा के गोल पोस्ट से दूरी हो गई, 9 मीटर बाहरी गोल रेखा से गोल पोस्ट की दूरी हो गई, यानी तीनों के तीनों हैंडबॉल से रिलेटेड हैं, और 10 मीटर किसी से संबंधित नहीं है, इसे अलग हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको छांटना है अलग कौन है। तो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ध्यान देखना है कि हैमर, सीजर्स एंड अनविल स्ट्री ट्रफ। तो सीजर्स जो है आपकी हाई जंप की टेक्निक है, बाकी जो है यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, इसलिए इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑन। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हाइपोडर्मिस एंड हाइपरडर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस, ये चार चीज़ें हैं जिसमें से डर्मिस जो है, एपिडर्मिस चमड़ी की बाह्य परत होती है, डर्मिस चमड़ी की दूसरी परत आंतरिक परत होती है एंड हाइपोडर्मिस सबसे अंदरूनी परत होती है, बट हाइपरडर्मिस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, इसलिए आपके अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दिया था थॉर्नडाइक ने, इनसाइट यानी कि सूझबूझ का थ्योरी दिया था कोहलर ने, कंडीशनिंग थ्योरी दिया था पावलोव ने, ये तीनों के तीनों खेल के सिद्धांत से संबंधित है, बट प्ले आपका यह बाकी प्ले की थ्योरी है, प्ले आपका अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा आपका अलग है, तो यहाँ पे अलग कौन है, तो बीपीई, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, बीए फिजिकल एजुकेशन, ये सभी के सभी क्या है, रेगुलर कोर्स है, बट बीपीएड जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ पे स्क्वाट्स, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस, ये सभी के सभी इंडोर गेम है, जबकि गोल्फ जो है वह आउटडोर गेम है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे एक कौन विषम है, तो यहाँ पे डोडिनम, जेजुनम, इलियम, ये छोटी याद के तीनों भाग हैं, बट यहाँ पे सीकम, कोलन, मलाशय जो होता है, तो यहाँ पे सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी याद का भाग है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी इन तीनों में से ऑड कौन है, विषम कौन है, तो आपको पता है कि यहाँ पे फीटा जो है वह आर्चरी यानी तीरंदाजी से रिलेटेड है, फीफा फुटबॉल से रिलेटेड है, फिना स्विमिंग यानी तैराकी से रिलेटेड है, यहाँ फीरा किसी से रिलेटेड नहीं है, यहाँ फीडे होना चाहिए था, FIDE जो चेस से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे 117 का मतलब है सेल्डन ने सोमेटो टाइप स्केल दिया है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक तीन बॉडी टाइप दिया है, तीनों को सोमेटो टाइप के आधार पर रखा हुआ है, इन्होंने एंडोमॉर्फिक को इंडिकेट किया है 711 एंड मेसोमॉर्फिक को इंडिकेट किया है 171 एंड एक्टोमॉर्फिक को इंडिकेट किया है 117, जिसका मतलब यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये सभी आपका बॉडी टाइप से रिलेटेड हैं, पर्सनालिटी एंड प्रोग्रेस सेल्डन के सोमेटो टाइप से रिलेटेड हैं तीनों, तो यहाँ पे 117 का मतलब है एक्टोमॉर्फिक और सोमेटो टाइप एंड एक्टोमॉर्फिक तीनों आपका सोमेटो टाइप से रिलेटेड है, जबकि 3P अलग है, 3P का संबंध है साउथ एशियन गेम के मोटो से, जिसका मतलब होता है पेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस, ये साउथ एशियन गेम का मोटो है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर,
यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों रेबीज, पोलियो, मेनिनजाइटिस, ये तीनों के तीनों वायरस से फैलने वाला रोग है, जबकि कोलेरा यानी हैजा जो है वह विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ये तीनों के तीनों स्विमिंग की टेक्निक है, शैलियाँ हैं, जैसे स्विमिंग की चार शैलियाँ होती हैं, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ये तीनों स्विमिंग की शैलियाँ हैं, बस डाइविंग जो है यह एक खेल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, इन चारों में से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे दिया हुआ है पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों के तीनों स्टोमोस यानी कि अमाशय से स्त्रावित होते हैं, जिसमें से रेनिन दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, जबकि टाइलिन जो है हमारी लार ग्रंथि से निकलता है, लार में स्त्रावित, लार से स्त्रावित होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, इसमें से अलग कौन है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे अलग इसमें 2016 रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था ओलंपिक, जो साउथ अमेरिका में आयोजित हुआ आता है, और सभी जो है यूरोप महाद्वीप में आते हैं, जिसमें से 1908 लंदन में आयोजित हुआ था, 1900 में पेरिस फ्रांस में, एंड 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, इन चारों में से अलग कौन है? तो यहाँ पे फुल स्ट्रैगर जो है जिसका निकालने का सूत्र होता है डब्ल्यू एन माइनस वन माइनस टेन टू फाइव, ये आपका राइट है, एंड आपका स्ट्रैगर फॉर टू कर्व बाउंडेशन या टू कर्व होता है स्ट्रैगर में, इस प्रकार आसन नंबर ख यहाँ पे गलत है और तीनों सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है? तो दोस्तों इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ख अलग है, स्टार्ट फुल स्ट्रैगर फॉर डी डी यहाँ पे गलत है, किसी स्ट्रैगर से संबंधित नहीं है, बाकी का संबंध चार ग्रो 400 मीटर रिले रेस स्ट्रैगर से है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट इफ एन इज इक्वल टू 26 देन, यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 26 टीमें हैं तो क्या होगा, यानी कि एन बराबर 26 है तो नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होगा। जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि यहाँ पे 32 आया, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, यानी क्या आएगा 32। अब 32 में माइनस आप कर देंगे 26, तो कितना आ जाएगा 6, यानी कुल 6 बाय दिया जाएगा, राउंड होगा 5, तो यहाँ पे आंसर नंबर क ही गलत हो जाता है। एंड 6 जब बाई हैं तो कितने आपके नंबर ऑफ बाई फर्स्ट हाफ में कितना दिया जाएगा 3, यानी नंबर ऑफ बाई दिया जाएगा 6। जब सम संख्या है तो बाई निकाले का सूत्र हो जाता है एन बी अपान टू, यानी 6/2 बराबर 3 बाई दिए जाएंगे दोनों हाफ, तो ऑप्शन नंबर ख भी राइट है। एंड मैचों की संख्या कितना होगा, तो मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है एन माइनस वन, यानी 26 - 1, यानी कि 25 होंगे मैच, यानी ऑप्शन नंबर ग भी राइट है। एंड घ है फर्स्ट सीडिंग गिव टू लास्ट टीम ऑफ सेकेंड हाफ, तो फर्स्ट सीडिंग यानी जो बाई दिया जाएगा लास्ट टीम को, यानी सेकेंड हाफ के लास्ट टीम को दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों बाई देने का सूत्र क्या होता है, बाई देने का सूत्र होता है फर्स्ट बाई दिया जाएगा लोअर टू लोअर, यानी कि सेकेंड हाफ के सबसे लास्ट टीम को, एंड सेकेंड बाई दिया जाएगा अपर टू अपर, यानी कि फर्स्ट हाफ के सबसे ऊपर वाले टीम को, थर्ड बाई दिया जाएगा लोअर टू अपर, यानी नीचे के हाफ में सबसे ऊपर वाले टीम को, अब फोर्थ बाई दिया जाएगा अपर टू लोअर, यानी ऊपर के हाफ में सबसे नीचे वाले टीम को, उसके बाद इससे ज़्यादा बाई रहेंगे तो इसी तरह रोटेट होता जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है? तो यहाँ पे कौन है चारों में से अलग, तो यहाँ पे मीन जो है सबसे अलग है, क्योंकि मीडियन स्कोर, मीडियन एन प्लस वन अपॉन टू, ये सभी जो, क्योंकि मीन जो है एवरेज से संबंधित है, बाकी सभी मीडियन से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, सबसे अलग कौन है यहाँ पे? तो दोस्तों लिगामेंट टीयर स्प्रेन एसीएल, ये तीनों चोटें यानी इंजरीज जो है लिगामेंट की चोटें हैं, बट स्ट्रेन यानी स्ट्रेनम यानी मांसपेशी और टेंडन की चोट है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे तीनों में से अलग कौन है दोस्तों? यहाँ पे जेसीआर टेस्ट, इंडियाना मोटर टेस्ट, ऑर्गन मोटर टेस्ट, ये तीनों के तीनों मोटर फिटनेस टेस्ट से रिलेटेड हैं, बट नॉक जो है ये बास्केटबॉल स्किल टेस्ट है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे तीनों में से अलग, चारों में से अलग कौन है? तो दोस्तों टटल पल्स रेटियो टेस्ट 1930 में WW टटल ने बनाया था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजर करने के लिए, एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को 1943 में लिवसिन ब्रोहा ने बनाया था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजर करने के लिए, एंड क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट भी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मेजर करने के लिए बनाया गया है, जबकि यानी कि तीनों के तीनों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, टटल पल्स रेटियो टेस्ट, क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट, तीनों के तीनों कार्डियोवैस्कुलर इफिशियंसी मेजर करते हैं, बट जॉनसन टेस्ट यह दोनों में होता है, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल में एक जॉनसन सॉकर टेस्ट है, ये जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है, ये स्किल टेस्ट से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे सीटा, पुलअप्स, पुशअप, ये तीनों के तीनों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता को मापते हैं, एंड शटल रन जो है एजिलिटी यानी चपलता को मापता है, इसलिए अलग है, जिसमें से सीटअप पेस पेट की मांसपेशियों की एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को मेजर करता है, मापता है, एंड पुलअप्स पुशअप जो है वो दोनों हमारे बांह की मांसपेशियों को स्ट्रेंथ है एंड्योरेंस को मेजर करता है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे अलग कौन है? तो यहाँ पे आपका स्क्वेट थ्रस्ट, शटल रन, बर्फी टेस्ट, ये तीनों के तीनों आपके एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है, जबकि 50 मीटर डैश आपका स्पीड से रिलेटेड है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर्ड, यहाँ पे अलग कौन है? तो ध्यान से देखिए, सीट एंड रीच टेस्ट जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बैक एंड हेमस्ट्रिंग मसल्स का मेजर करता है, एल्गन एंड गोनियोमीटर भी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मेजर करता है, इस प्रकार एल्गन, सीट एंड रीच टेस्ट, गोनियोमीटर, ये तीनों के तीनों फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन को मेजर करता है, जबकि मैनियोमीटर जो है लेफ्ट एंड राइट हैंड के ग्रीप को, पकड़ को मापता है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, इसमें से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरियर एक्सपेंडर्स, एरिथ्रोपोएटिन, ब्लड डोपिंग, ये तीनों के तीनों डोपिंग से रिलेटेड हैं, और ये हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है, अगर ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन रहेगा तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण होगा, और देर तक काम करने में हम थकेंगे नहीं, इस प्रकार यह एंड्योरेंस को डेवलप करता है, एंड्योरेंस को हमारे अंदर बढ़ा देता है, तो यह डोपिंग से रिलेटेड है, और यह वाडा के अंतर्गत प्रतिबंधित भी हैं सभी। एंड जबकि ऑप्शन नंबर ख जो है एरिथ्रोसाइट या RBC यानी W रेड ब्लड सेल्स का वैज्ञानिक नाम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे तीनों चारों में से अलग कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे कार्ल लेविस, बेन जॉनसन, लिनफोर्ड क्रिस्टी, ये तीनों के तीनों स्प्रिंटर हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, स्प्रिंटर हैं, जबकि माइक पावेल जो है लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे कि 12.5 मीटर जो है वॉलीबॉल के इंडोर कोर्ट की ऊंचाई होती है और 2.24 मीटर वॉलीबॉल के महिला के लिए नेट की ऊंचाई होती है एंड 10×10 सेंटीमीटर जो है वह वॉलीबॉल के नेट की माप होती है, जबकि 3.60 जो होता है वह बास्केटबॉल के फ्री थ्रो रेखा से संबंधित है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इसमें से अलग कौन है। तो हिच किक, हैंग और सेल टेक्निक, ये तीनों के तीनों लॉन्ग जंप से रिलेटेड हैं, जबकि सीजर शैली आपका हाई जंप से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि ह्यूमिडिटी, इक्वलिटी, डेंसिटी, ये तीनों जो हैं मोटू जो हैं कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल के मोटू हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ईवर ऑनवर्ड यानी हमेशा आगे की ओर, यह है एशियन गेम का मोटो। एंड सीटियस, आल्टियस, फोर्टियस, यह ओलंपिक गेम का मोटो है, जबकि पेस, प्रेजरवेंस एंड प्रोग्रेस किसी का मोटो नहीं है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों इन चारों में से अलग 776 BC ईसा पूर्व है, जो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा ये तीनों जो हैं आधुनिक काल से संबंधित हैं, जिसमें से 1951 में एशियन गेम की शुरुआत हुआ था नई दिल्ली भारत में एंड 1930 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुआ था हेमेंटल कनाडा में एंड 1984 में सैफ यानी साउथ एशियन गेम की शुरुआत हुआ था, इसलिए ये सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखना है उड़न सिख उपनाम से जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, उड़न परी उपनाम से जाना जाती हैं पीटी उषा, ये भी सही है, एंड मैग्निफिकेंट मैरी उपनाम से जानी जाती हैं मैरी कॉम, महान बॉक्सिंग खिलाड़ी, एंड लीएंड ऑफ हॉकी उपनाम से रूप सिंह, यहाँ पे गलत है क्योंकि लीएंड ऑफ हॉकी उपनाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, इसलिए आपका ये अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे असेंबली, इंट्रोडक्शन, रिक्रिएशन, ये तीनों के तीनों लेसन प्लान के अंतर्गत आते हैं, जबकि इंट्राम्यूरल आपका यह स्कूल व कॉलेज की प्रतियोगिताओं से संबंधित है। जब एक चार दीवारी यानी संस्था के अंदर कोई प्रतियोगिता होती है तो उसे इंट्राम्यूरल कहा जाता है, जब दो संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता होती है तो उसे एक्स्ट्राम्यूरल कहा जाता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे डिस्प्रिसिएशन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों के तीनों बजट बनाने से रिलेटेड हैं, जबकि टाइम टेबल बजट बनाने से संबंधित नहीं है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर क, फीमर लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबी हड्डी हमारे शरीर की फीमर जांघ की होती है, एंड यहाँ पे सार्टोरियस लार्जेस्ट बोला है, जबकि सार्टोरियस लॉन्गेस्ट मसल्स है, यानी शरीर की सबसे लंबी मसल सार्टोरियस है, जबकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट दिया है। तो लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी मसल्स होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, हमारी हिप यानी कुल्हे की, इसलिए यहाँ पे यह गलत है। एंड नी ज्वाइंट लार्जेस्ट ज्वाइंट है, राइट है। सोलियस यह पावरफुल मसल्स है जो हमारे पैर के निचले पैर में पाया जाता है, तो यहाँ पे ख आपका गलत है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको देखना है कौन अलग है। एरोबिक एक्सरसाइज, लेजियम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फॉर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं, ये तीनों के तीनों संबंधित है एरोबिक क्षमता से,
जबकि सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग जो है यह इसका संबंध एरोबिक से नहीं है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ पे वी ओ टू मैक्स, एरोबिक कैपेसिटी, मैक्स वैल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूप्शन, इन तीनों का संबंध है एरोबिक कैपेसिटी से, जबकि ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट से संबंधित है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे चारों में से अलग कौन है, तो यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों, तो स्क्वेटस एंड ग्लूकोमा कंजक्टिवाइटिस, ये तीनों के तीनों संबंधित हैं आंख के रोग से, जबकि ऑप्शन नंबर ख जो है क्रिएटिनाइन जो है यह एक जहरीला पदार्थ है, टॉक्सिएंट सब्सटेंसेस हैं जो गुर्दे में छनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ पे है रेक्टस फेमोरिस, जो हमारे जांग के ऊपर की हड्डी है, मसल्स है, एंड रेक्टस एब्डोमिनस, हमारे पेट की सीधी मसल्स जो होती है उसे रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं, एंड बाइसेप्स फेमोरिस, हमारे जांग के पीछे की हैमस्ट्रिंग ग्रुप की मसल्स है जो घुटने को मोड़ने के काम आती है, एंड रेक्टस टिबियलिस नाम का कोई मसल्स नहीं होता है, इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर्म, चारों में से अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे क्लब, डायमंड, हार्ट, ये तीनों के तीनों ताश के पत्ते वाला खेल ब्रिज से संबंधित है, जबकि ए सी ई ए शब्द जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है, जो कई बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और इसी तरह आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए, जो अवश्य सफलता मिलेगी। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।